हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। तो मैंने अपने लास्ट मॉन्टेज में बताया था कि अगर मेरे 150 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं आपका सीक्रेट रिवील करूंगा, मैं इतनी जल्दी ओम कैसे चलाता हूं, और मैं आपको भी सिखाऊंगा कि सबसे फास्ट ओम आप कैसे स्विच करके चला सकते हो फ्री फायर के अंदर। तो बस इस वीडियो में वही बताने वाला हूं सबसे फास्ट ओम स्विच कैसे करते हैं, और मैं दोनों के लिए बताने वाला हूं, पीसी मोबाइल दोनों के लिए। तो आप जिस पे भी खेलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों में इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहां पे इस वीडियो में। और मैं गारंटी देता हूं जो मैं आज बताने वाला हूं आपको ओम के बारे में, ओम कैसे स्विच करते हैं उसके बारे में, वो यूट्यूब पे किसी वीडियो में कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं दीगे, सबसे पहले मैं ही देने वाला हूं आपको। और जो मोबाइल के लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ओम के रिलेटेड, वो तो इतनी सारी वीडियो बनी है ओम के ऊपर मोबाइल के अंदर, फिर भी किसी ने नहीं दिए, मैं आपको गारंटी देने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका ही फायदा है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री फायर के अंदर ओम कैसे चलती है, क्योंकि फ्री फायर के अंदर ओम और दूसरे गेम में ओम बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले हमको फ्री फायर के ओम का एल्गोरिथम जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डिकोड कर सकते हैं सबसे फास्ट ओम कैसे चलाई जाए। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ट्रेनिंग ग्राउंड में, वहां पे आपको ओम की बेसिक्स समझाता हूं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ फ्री फायर के अंदर ओम कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्कोप करते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली करते हैं, उसके बाद फायर करते हैं और स्कोप बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक रिलोड आता है ओम का थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप लोग वापस से फायर कर सकते हो। ये बेसिक मैकेनिज्म है फ्री फायर के अंदर ओम का, ठीक है। बट इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है, उसका ग्लिच बोलो फ्री फायर का या बग बोलो, आप जल्दी से अगर स्विच कर लेते हो किसी और वेपन पे, सेकेंडरी वेपन पे, तो ये जो फायर वाला जो रिलोड आता है फायरिंग के बाद, वो आप लोग डिले कर सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो और कंटिन्यूस फायर कर सकते हो। तो जितने भी प्लेयर्स ओम चलाते बिना रिलोड किए पूरी मैगजीन खाली कर देते, वो ऐसे ही चलाते जैसे मैं आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो मैं चला रहा हूं। तो ये जो फायरिंग की स्पीड या फिर नॉन स्टॉप फायर करने का जो टेक्निक है, वो कुछ लोग बहुत ज्यादा फटाफट कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा स्लो करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग अपना फोन का स्क्रीन मिरर कर सकते हो अपने पीसी के अंदर, वो भी बहुत इजीली। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉइड कास्ट, जो कि एकदम फ्री है डाउनलोड करने के लिए। और ये सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, आईओएस सब में अवेलेबल है। तो आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो सब में ये डाउनलोड कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। और जैसे आप लोग इसको ओपन करते हो, यहाँ पे एक QR कोड आपको दिख जाता है। अगर आपको वाईफाई से स्क्रीन मिरर करना है तो इसको स्कैन करना है अपने मोबाइल से, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा इजीली। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वाईफाई नहीं होता यहाँ पे, तो टेंशन की बात नहीं है, आप लोग USB से भी कनेक्ट करके अपना फोन जो है वो मिरर कर सकते हो। मैं ऐसे ही आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे USB से मेरा फोन कनेक्ट कर लिया है, और USB डीबगिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी डेवलपर ऑप्शन में जाके, उसके बाद ही स्क्रीन मिरर होगा, वो ध्यान रखना। जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस में आप लोग देख सकते हो आ गया मेरा Poco F1, ठीक है, डिटेक्ट हो गया। उसको क्लिक करते ही मेरा स्क्रीन यहाँ पे मिरर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन मिरर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और यहाँ पे मैं फ्री फायर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है बिग स्क्रीन में खेलने का फ्री फायर, वो भी मोबाइल से। तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस लेना है तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, पिन कमेंट भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो नूब वॉक करके ओम चलाते हैं, डबल ओम चलाते हैं, ऐसे फायरिंग करते हैं बिना स्कोप खोले, उसको आप फास्ट कैसे कर सकते हो, उसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो। ये पीसी में और मोबाइल में दोनों में एक ही चीज है, एक ही टेक्निक है, क्योंकि दोनों में मैकेनिज्म सेम है। तो आपको मैं बताता हूँ कि उसका सीक्रेट क्या है। तो जो नूब वॉक करके ओम मारने की टेक्निक होती है, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक नॉर्मल प्लेयर होता है जो नॉर्मली ओम चलाते हैं, यहाँ पे साइड वॉक करके स्विच करते रहे डबल ओम और चलाते, ऐसे मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूं वैसे चलाते। अगर आप ये टेक्निक यूज करते तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बहुत जल्दी स्पॉन स्विच कर लेते तो गोली फायर नहीं होती, बुलेट फायर ही नहीं होती, और खाली स्विच हो जाता है। और अगर आपकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा फास्ट है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। मेरे भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारी बार गन फायर नहीं हो रहा, खाली ऑन स्विच हो रही है बट गोली फायर नहीं हो रही है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, जितनी बार आपको फायर करना है, स्विच करना है, दूसरी ओम से गोली मारनी है, तब उसके पहले आपको क्राउच का बटन दबा देना है, तो जो उसका एनिमेशन आता है रिलोड का या फिर जो ऑन स्विचिंग का, वो कैंसिल हो जाता है और आपका क्राउच का बटन दब जाता है, क्राउच का एनिमेशन हो जाता है। उसके लिए आपका जो ओम का एनिमेशन वो कैंसिल हो जाता है और ओम फटाफट रेडी होती है दूसरी गोली फायर करने के लिए। फ्री फायर में ये होता है कि एक टाइम के बाद अगर आपको मूवमेंट स्पीड बढ़ानी है, आपकी स्पीड बढ़ानी है, तो आपको जो एनिमेशन आते हैं बीच बीच में उसको कैंसिल कैसे करने, उसको टैकल कैसे करने, वो आने चाहिए। अभी आप लोग बैकग्राउंड वाले गेम प्ले में देख सकते हो मैं क्राउच करके ऑम स्विच कर रहा हूँ, तो कितनी फास्ट ऑम स्विच हो रही है, क्योंकि एनिमेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। और दूसरा एक इसका बोनस है, उसको भी आपको मारने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आप लोग मूवमेंट कर रहे हो और आप लोग अप डाउन कर रहे हो, तो आपका हेड जो है उसके ऊपर एम नहीं जाएगा। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि सबसे फास्ट ओम कैसे चलाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा जल्दी ओम चला लेते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं चला पाते हैं। पीसी में भी बात कर रहा हूँ, पीसी में भी ऐसा फर्क होता है, कोई पीसी में बहुत ज्यादा जल्दी ओम चलाता है, कोई पीसी में थोड़ी सी स्लो चलाता है, और ये सेम चीज मोबाइल में भी होती है। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और मैं ऑब्वियस चीज नहीं
बताने वाला कि आपकी स्विचिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कस्टम मोड है उसका आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। वो तो है ही, वो तो बेसिक चीज है, अगर वो नहीं होगा तो आपको डबल ऑन चलानी आएगी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि दो बंदों की स्विचिंग स्पीड बहुत अच्छी है, उसका कस्टम मोड दोनों का बहुत अच्छा है, सब कुछ आइडेंटिकल है, ठीक है, सब कुछ इक्वल है, सेम टू सेम है, बट एक बंदा ज्यादा अच्छी ऑन चला लेता है, बहुत ज्यादा फास्ट चला लेता है, एक बंदा थोड़ी सी स्लो चलाता है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एक ही, डिवाइस। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, डिवाइस मैटर करता है, डिवाइस स्पीड बढ़ती है, बट वो क्यों बढ़ती है, उसका रीजन क्या है, पर्टिकुलर क्या चीज होती है डिवाइस के अंदर उससे आपकी स्पीड बढ़ती है या फिर कुछ आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, वो किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पे, मैं वो बताने वाला आपको। तो सबसे पहले पीसी की बात करते हैं, उसके बाद मोबाइल की बात करेंगे। तो जो पीसी में इनपुट डिवाइस होता है जिससे आप लोग फायर करते हो, एम करते हो, वो होता है माउस, और कीबोर्ड भी होता है, बट कीबोर्ड अभी साइड में रखते हैं, आप लोग को माउस का समझाता हूं मैं। तो माउस में एक चीज होती है जिसका नाम है पोलिंग रेट या फिर रिफ्रेश रेट या फिर रिपोर्ट रेट, ठीक है, सब कंपनी अलग अलग नाम देती है इस चीज को, बट ये बेसिकली ये चीज होती है जिससे डिटरमाइन होगा कि कितनी बार एक सेकंड में इनपुट जाएगा आपके माउस से आपके पीसी के अंदर। मान लो मेरा माउस का पोलिंग रेट है 100, मतलब एक सेकंड में 100 बार इन्फॉर्मेशन जाएगी पीसी के अंदर के माउस की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ लोकेशन है, कितना मूव किया है, वो 100 बार जाएगी एक सेकंड के अंदर। अब ये चीज जितनी ज्यादा होगी 500, 1000 उतना ही अच्छा, क्योंकि उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पीसी को मिलेगी माउस के बारे में, माउस के लोकेशन के बारे में, मतलब उतना एक्यूरेट आपका माउस का मूवमेंट होगा आपके गेम के अंदर या फिर जो भी आप लोग इनपुट करते हो अपने पीसी के अंदर। जो महंगे माउस होते हैं, गेमिंग माउस होते हैं, उसमें आपको पोलिंग रेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे में तीन ऑप्शन है, 125, 500 और 1000। यहाँ पे इतना ज्यादा हाई पोलिंग रेट है, मतलब इनपुट लैग बहुत ही ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा मेरा माउस, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा मेरे पीसी के अंदर। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी ओम इतनी फास्ट कैसे चलती, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने खाली एक माउस बदला है, ठीक है, पहले मैं लॉजिटेक का G102 यूज करता था, बट मैंने जब से ये डेथ एडर लिया है रेजर का, उससे उसी दिन से मेरी ओम ज्यादा फास्ट हो गई। मैंने कुछ किया ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस खाली माउस बदला और मेरी ओम बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। और यही सेम चीज मैंने बताया था मेरी गेमिंग माउस रिव्यू वाले वीडियो में कि मेरे में इतना डिफरेंस किसी और में नहीं लगा, बट ओम में बहुत ज्यादा डिफरेंस मेरे को फील हुआ है। तो और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, जो मेरा पुराना माउस था उसमें भी 1000 पोलिंग रेट था, इसमें भी 1000 है, बट ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव क्यों है, ये ज्यादा फास्ट क्यों चलता है, उसका भी आपको रीजन देता हूं। इसमें और भी बहुत ज्यादा फीचर्स है जिससे आपका माउस बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, आपको जैसे चलाना है वैसे चलेगा, आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा माउस पैड है वो भी मैंने कैलिब्रेट करके रखा है, कस्टमाइज करके रखा है मेरे माउस के लिए। उससे क्या होगा कि मेरा जो माउस का सॉफ्टवेयर है उसको पता चलेगा मैं कौन सा माउस पैड यूज कर रहा हूँ। और इसके हिसाब से यहाँ पे देखो मेरे सेटिंग भी की हुई है, यहाँ पे लिफ्ट ऑफ सेटिंग किया हुआ है, एसिमेट्रिक कट ऑफ किया हुआ है, ये सब सेटिंग उसके लिए होते हैं कितना माउस ग्लाइड करेगा, कितना फ्रिक्शन होगा, कैसे माउस पैड वर्क करता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आपका माउस बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनता है, रिस्पॉन्सिव बनता है, आपको जैसे यूज करना वैसे कर सकते हो, बट ये सिर्फ महंगे माउस में ही होता है ये सारे फीचर्स। तो अगर आपके पास इतना महंगा माउस नहीं, इतना अच्छा माउस नहीं जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा फास्ट और इनपुट लैग बहुत ज्यादा कम हो, तो आप कितना भी कर लो आपका ओम की जो स्विचिंग है इतनी फास्ट नहीं होगी, एक हद तक होती, उसके बाद उससे फास्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका माउस जो है वही सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपकी भी गलती नहीं है, गलती जो गिन सकते हो आप लोग माउस की है। और अगर आपको करना है तो मैक्रो भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा फास्ट होगा, मैं तो रेकमेंड नहीं करता, बट आपको यूज करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी आईडी वाईडी बैन नहीं होगी अगर आपको ओम का मैक्रो यूज करना है तो। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, मैं तो आपको नहीं बताने वाला, बट कोई भी मैक्रो यूज कर लो इतना फास्ट आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके माउस में ही कैपेबिलिटी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेम चीज के बारे में बट मोबाइल के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो जैसे माउस के अंदर आता है पोलिंग रेट, वैसे ही मोबाइल अंदर आता है टच सैंपलिंग रेट। इससे आप लोग ये जान सकते हो आपका जो टच रिस्पॉन्स है, मतलब स्क्रीन पे टच करते हो मोबाइल की, वो कितना जल्दी काउंट कर सकता है आपका मोबाइल। तो मैं आपको कुछ स्पेक्स बताता हूं, उससे आपको और क्लियर आइडिया आएगा वो कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आ गया गूगल पे, और यहाँ पे पहले एक नॉर्मल फोन, बजट फोन सर्च करते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोको X3 Pro है, वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं फ्री फायर के अंदर। तो सबसे पहले उसका टच सैंपलिंग रेट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पोको X3 का टच सैंपलिंग रेट है 240 Hz, मतलब एक सेकंड में 240 इनपुट्स लेगा आपके जो स्क्रीन आप टच करते हो उसमें 240 इनपुट्स लेगा पोको X3। और मोस्ट ऑफ जो बजट फोन होते हैं 10, 20,000, 30,000 तक, सब में ऑलमोस्ट 240 Hz ही रहता है। तो चलो आप कोई महंगा गेमिंग फोन का चेक करते हैं, ROG Phi का चेक करते हैं, ठीक है, उसमें कितना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ROG Phi के अंदर है 360 Hz सैंपलिंग रेट, मतलब 360 टाइम्स एक सेकंड के अंदर इनपुट लेगा, जिससे इनपुट लैग कम होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हाथ में ग्लूवॉल रह जाती है, ग्लूवॉल नहीं लगती, आपकी ओम की स्विचिंग नहीं होती, ये सब का रीजन यही होता है इनपुट लैग। आप बहुत ज्यादा टैप कर देते हो जल्दी जल्दी अगर स्क्रीन के अंदर, और आपका मोबाइल कैपेबल नहीं है तो वो स्क्रीन के अंदर जो टैप है वो काउंट नहीं होगा, और इवेंचुअली आपकी ग्लूवॉल है वो नहीं लगेगी और हाथ में रह जाएगी। तो खाली लोग बोलते हैं डिवाइस मैटर करता है, बट क्यों मैटर करता है, क्या होता है डिफरेंस एक महंगे मोबाइल में और एक सस्ते मोबाइल में, ये होता है डिफरेंस, मैंने आपको आज बता दिया। अभी मैं आपको एक और गजब चीज दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सबसे बेस्ट एंड्रॉइड फोन वही है, फ्री फायर खेलने के लिए ROG Phi सबसे बेस्ट है, वही लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
मैं आपको एक लीजन का फोन दिखाता हूँ जो लिनोवो की कंपनी है, उसका टच सैंपलिंग रेट मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। तो उस फोन का नाम है लीजन 2 प्रो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका टच सैंपलिंग रेट कितना है। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, आपको दिख ही रहा है 720 हर्ट्ज है इसका टच सैंपलिंग रेट है, मतलब लिटरली डबल है रोग 5 से। रोग 5 का कितना था 360 हर्ट्ज। और ये जो एक फीचर है ना, ये जो फीचर या स्पेसिफिकेशन है वो सबसे लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेमिंग के लिए, जो टच सैंपलिंग रेट होता है उससे पता चलता है क्या हेडशॉट कितने फास्ट लगेंगे, आपकी जो स्विचिंग है उनकी कितनी फास्ट होगी। तो अभी आप लोग नेक्स्ट टाइम फोन लो तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि उसका टच सैंपलिंग रेट कितना है, ठीक है, उससे आपकी गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया सुनने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा। पहले मैं सोच रहा था सिर्फ ओम की वीडियो बना के छोड़ दो, ओम कैसे स्विच करते ये वो उतना बता के छोड़ दू, बट फिर मैंने सोचा कि पूरा डिटेल में बताते कि ओम कैसे स्विच करते हैं, कौन से फैक्टर पे ओम की जो स्विचिंग स्पीड होती है वो डिपेंड करती है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना कुछ नया सीखने को मिला है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।